भिवानी में लिंग अनुपात को लेकर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी निगरानी है। जिले के 22 गांव ऐसे हैं जिन्होंने जिला भिवानी का नाम खराब किया है, तो वहीं 30 गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने मान बढ़ाया है। बिगड़ते अनुपात को लेकर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती भी दिखाई दे रही है। जिन गांवों में बिगड़ता लिंग अनुपात है वहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सीएमओ रघुवीर शांडिल्य का यह कहना है कि जिन गांवों में बेहतर लिंग अनुपात है उन गांवों में 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि बेहतर लिंग अनुपात वाले इन 30 गांव में प्रति एक लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1000 से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि गांव बागनवाला में एक लड़कों पर 1765 बेटियां हैं, तो वहीं गांव खरकड़ी में प्रति 1000 लड़कों पर 1667 बेटियां हैं। इनके अलावा साल्हेवाला में भी प्रति एक लड़कों के पीछे बेटियों की संख्या 1500 के पार है। तो बिगड़े लिंग अनुपात वाले गांव के बारे में उन्होंने कहा है कि 22 गांव ऐसे हैं जहां प्रति 1000 लड़कों पर 700 से भी कम लड़कियां हैं। कुछ जगह बेटों से भी ज्यादा संख्या में बेटियां नहीं हैं। इनमें ज्यादातर राजस्थान के साथ सटे हुए गांव हैं। वो जो 22 गांव है जिसका 1700-700 से लेकर के 300-200-250 भी हैं, ऐसे गांव में बड़े चिंताजनक हैं। उनके जो हमने सुधार के लिए वहाँ की पंचायत और वहाँ के कंसर्न एमओ को तो हमने बाद नोटिस भी निकाला है, तो हम तीनों डिपार्टमेंट ICDS का, स्कूल एजुकेशन का, पंचायत का और हेल्थ डिपार्टमेंट कलेक्टिवली उसमें अवेयरनेस जागरूक करेंगे। और हम 22 जो चिन्हित जो है इसके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारा मकसद ये रहेगा लगातार उसको 5-6 महीने ICU के